Hey guys, what's up? This is Shuri from eGadgets for you. और इस वीडियो में आइए चलिए देख लेते हैं लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक न्यूज जो कि चल रहा है इंडिया में। सबसे पहले तो दोस्तों जीएसटी इफेक्ट की वजह से एप्पल ने अपना प्राइस स्लैश डाउन कर दिया है। आईफोन 6, 6 प्लस, 6S, 6S प्लस, आईफोन 7, 7S प्लस या तक भी आईपैड के भी मॉडल्स पे और मैकबुक के मॉडल्स पे भी हैवी डिस्काउंट आ गया है एप्पल की प्रोडक्ट से। ये ऑनलाइन ऑफलाइन हर एक स्टोर में भी अब मिल जाएगा आपको ये डिस्काउंट। ये बहुत ही जबरदस्त चीज है क्योंकि जीएसटी के कारण इलेक्ट्रॉनिक प्राइस का गुड्स थोड़ा एक्सपेंसिव होने का ऐसा रिपोर्ट था, लेकिन एप्पल ने सबको शॉक दे दिया है क्योंकि वो लोग ने प्राइस इसका घटा दिया है। तो अगर आप खरीदना चाहते हो एप्पल का कोई भी डिवाइस तो आप खरीद सकते हो। आप जीएसटी के बाद में भी इसका प्राइस तो आप स्लैश डाउन हो गया है। मूविंग ऑन दोस्तों, फेसबुक ने लाया है एक नया फीचर कि फाइंड वाईफाई बोल के। ये फीचर आप फेसबुक ऐप में जाके iOS, Android कोई भी डिवाइस में आप जाके अगर आप अपडेट करते हो आपका ऐप को, तो फिर मोर जो ऑप्शंस होता है या फिर बॉटम में जो तीनों हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस आता है iOS में, उसको क्लिक करने के बाद या फिर टैप करने के बाद वहां पे एक दिखाना है फाइंड वाईफाई बोल के एक नया ऑप्शन आता है। ये फाइंड वाईफाई में अगर आप जाओगे तो उसको एनेबल फाइंड वाईफाई ऑन करना पड़ता है। तो उसके तहत आपका सेटिंग्स में जाके आप लोकेशन भी ऑन रहना जरूरी है। ये क्या करता है कि कोई भी एक ऑफिशियल बिजनेस लिस्टिंग का पेज जो फेसबुक में रहता है, उस हिसाब से अगर उसका कोई लिस्टिंग होता है फ्री वाईफाई का या फिर वाईफाई हॉटस्पॉट जोन का, तो वो दिखा देता है फेसबुक में। तो अगर आप पाना चाहते हो कोई भी डेटा कनेक्शन या फिर वाईफाई कनेक्शन फ्री वाईफाई स्पॉट, तो ये फेसबुक ऐप यूज करके आप उसको अवेल कर सकते हो। दोस्तों सुनने में ये आया है कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 जो कि सैमसंग की घर से एक थोड़ा बॉकडाउन प्रोडक्ट था जहां पे वो बैटरी बस कर रहा था, इसलिए बहुत सारे यूनिट्स को वो लोग वापस ले लिया था और उसके कारण उसका ब्रांड नेम का भी बहुत इफेक्ट आया था। अब सुनने में आया है कि इसका रिफर्बिश मॉडल बहुत जल्द सेल में जाएगा कोरिया में। सुनने में यह आया है दोस्तों कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 का रिफर्बिश्ड मॉडल, इसमें बैटरी को ठीक ठाक करके वो लोग फिर से सेल कर रहा है 60% ऑफ ओरिजिनल प्राइस में, लेकिन अभी तक के लिए सिर्फ ये कोरिया में अवेलेबल रहेगा। फिलहाल के लिए 400,000 यूनिट्स वो लोग सेल करेगा और ये सेल के तहत उसका प्राइस 699 yuan रखेगा, अभी तक ये खबर है। अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन आया नहीं है कि कोरिया को छोड़कर बाकी जगह पे भी ये हैंडसेट मिलेगा कि नहीं। तो अगर आता है तो ये 60% ऑफ ओरिजिनल प्राइस में आएगा, तो अगर आता है तो हम लोग इसको अवेल कर सकते हैं दोस्तों। और लास्टली दोस्तों, क्योंकि ये बहुत सारा रैंसमवेयर का अटैक्स आ रहा है कि पहले वानाक्राय आया था, उसके बाद पेटिया आया था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अर्ज किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल्स को, या तक माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के ऑफिशियल्स तक को भी अप्रोच किया है कि विंडोज 10 में अपग्रेड करने के लिए हर एक मशीन के लिए एक डिस्काउंटेड प्राइस देना बहुत ही जरूरी है। अभी तक के लिए माइक्रोसॉफ्ट से कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन आया नहीं है, लेकिन हाँ वो लोग ने ये बोल रहा है कि वो लोग ये स्टेप को देख रहा है ताकि वो लोग ये विंडोज 10 में अपग्रेड करने के लिए फिलहाल अभी के लिए जो प्राइस है 8,000 rupees, या फिर प्रोफेशनल वर्जन में जाने के लिए उसमें 15,000 rupees लगता है, तो वो प्राइस को घटा के शायद 50% ऑफ कर सकता है। अगर ये कर देगा तो ये दोस्तों बहुत बहुत ही अच्छा चीज हो जाएगा, क्योंकि रैंसमवेयर का लेटेस्ट जो अटैक्स है इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स है और ये सब पैच अब विंडोज 10 के लेटेस्ट वर्जन में ठीक ठाक करके ऐड किया हुआ है दोस्तों। तो अगर ये होता है तो बहुत अच्छा स्टेप होगा इंडियन गवर्नमेंट के से। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, क्योंकि हम लोगों का बैंक का ATM में विंडोज XP अभी तक रन करता है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर ये सारे ATM मशीन्स में विंडोज XP का भी सिक्योरिटी थ्रेट के लिए उसका पैचअप इंस्टॉल किया हुआ है। तो जितना सारा ATMs है तो उसमें सारा ये पैचअप ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो ताकि वो यूज करके ये रैंसमवेयर का जितना सारा अटैक्स है वो सारा अटैक्स आएगा नहीं अभी, तो ये सुनने में आया है दोस्तों। तो होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रहा आप सभी के लिए। जितना हो सके इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ, क्योंकि नॉलेज और इंफॉर्मेशन सभी के साथ बढ़ना चाहिए। और अगर आप ऐसे ही ट्रेंडिंग टेक न्यूज जो कि चल रहा है इंडिया में डेली पाना चाहते हो, तो मेरे चैनल में आके सब्सक्राइब बटन के बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको ऑन करना मत भूलना। अगर आपका कोई भी क्वेरी या कॉमेंट हो, या आप कॉमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो, या फिर आप ट्विटर, फेसबुक या Google+ में भी पोस्ट कर सकते हो, आपको सिर्फ यूज करना पड़ेगा #eGadgetsForYou. So that will be it, guys. Bye for now.